हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सो आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और मेरा व्रत है आज। और मैं इससे पहले के ब्लॉग्स आप सबकी के साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने। मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। सो मैं अब कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो मैं यहाँ पे पहले बिठा लूँगी लड्डू गोपाल जी को एक आसन बिछा के। तो मैं इस पर बिठा लूँगी लड्डू गोपाल जी को और फिर उनकी ड्रेस निकाल दूँगी और शालिग्राम भगवान जी और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। सो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस निकाल दी और अब जा रही स्नान कराने। सो मैं यहाँ पे स्नान करा के लेके आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी का थोड़ा सा तिलक हट गया साइड से। मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने घर पे ही मेकअप किया था, इसीलिए तो वो नहीं ज़्यादा देर टिकता है, तो वो छूट गया स्नान कराते हुए। और आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैं लड्डू गोपाल जी स्नान करके आ चुकी हूँ और यहाँ पे बनाऊंगी मैं ये वाली ज्वेलरी और करूँगी इत्र से लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा। सो इत्र लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को और उसके बाद पहले यहाँ पे मैं चंदन को अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के घोल रही हूँ ताकि मैं शालिग्राम भगवान जी को तिलक लगा के उनको उनके स्थान पर विराजमान कर सकूँ। सो मैं पहले उनको विराजमान कर दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी लड्डू गोपाल जी को तैयार। सो कैसे लग रहे हैं मेरे शालिग्राम भगवान जी, प्लीज़ जरूर बताना। और अब मैंने उनको विराजमान कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी लड्डू गोपाल जी को तैयार। सो मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पहले पहुँच लूँगी। सो लड्डू गोपाल जी सबसे पहले करूँगी इत्र सेवा। गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा बहुत ज़रूरी है, तो इत्र सेवा ज़रूर करा करो क्योंकि गर्मी है। गर्मी में सभी को गर्मी लगती है तो सब चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमें ऐसा हो जिससे हमारी बॉडी को ठंडक मिल सके। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को बस थोड़ी सी ठंडक पहुँचाने की, अपनी भाव से सेवा करने की जिस तरीके से हमें आती है, तो हम उस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को आराम दिलाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कोई भी की थोड़ी बहुत गलती होती है, हो भी जाती है, तो वो कमाई लड्डू गोपाल जी जानते हैं कि बस हमें माफ़ कर देते हैं। और मैंने पहनाई है लड्डू गोपाल जी की ये फिरोजी, थोड़ी लाइट फिरोजी ड्रेस है। सो ये ड्रेस मैंने पिछली गर्मियों में बनाई थी, इस बार गर्मियों में अब ड्रेस बनाऊंगी, अभी बनी नहीं है लड्डू गोपाल जी की। तो इस ड्रेस का वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखा है, आप सभी ने देखा होगा, ना नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख सकते हो। और लड्डू गोपाल जी को मैं यहाँ पे सो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला को हमेशा भी पहना के ही रखती हूँ। सो आप सभी को पता है लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला कितनी इंपॉर्टेंट है। लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर होनी चाहिए तुलसी माला, तुलसी माला ना हो तो तुलसी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ दोनों में से होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहना दी है, उनका सेट भी बना दिया, मतलब नेकलेस पहना दिया और उसके बाद यहाँ पर पहनाए बैंगल्स और फिर लड्डू गोपाल जी को मुझे कान के इयररिंग भी मिल गए। तो फिर मैंने पहले तिलक लगा दिया था, उसके बाद इयररिंग पहना दी लड्डू गोपाल जी को।
सो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी तैयार करके और उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी। सो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भोग रखूँगी, शालिग्राम भगवान जी को भोग रखूँगी और अपने बाकी सब भगवान जी के लिए भी भोग रखूँगी। सो मैंने यहाँ पे चीनी कर ली है, चीनी रख दी है और कर लूँगी गिलास में पानी। और रख दूँगी लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला, तो तुलसी माला के बिना लड्डू गोपाल जी भोग कुछ भी हो भोग में वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी माला या फिर तुलसी का पौधा हो, तुलसी की पत्ती हो, आप कुछ भी रख सकते हो, तुलसी होनी जरूर चाहिए। सो मैंने यहाँ पे भोग रख दिया लड्डू गोपाल जी का और सभी का भोग सबके पास रख दिया। सो मेरी गाय माता रह गई थी, गाय माता के लिए भी मैंने पानी रख दिया। और अब मैं करूँगी यहाँ पे पूजा की तैयारी। सो मैं यहाँ पे बना रही थी दिए के लिए बाती और अब मैं डाल दूँगी दीपक में घी। सो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ पूजा और यहाँ पे मैंने अपना दीपक तैयार कर लिया प्रज्वलित करने के लिए। और मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी धूप बत्ती। सो मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ थोड़ी सी सामग्री क्योंकि मुझे अग्यारी करनी थी, नवरात्रों में 9 दिन की अग्यारी मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे अग्यारी करनी थी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला घी। यहाँ पे शहद डाला थोड़ा सा मैंने और थोड़ी चीनी। सो मैं अब जा रही हूँ अपना पूजा करने के लिए, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने अब इस प्लेट में अग्यारी यहाँ पे गर्म हो, मतलब मैंने जलाने के लिए रखी थी तो अग्यारी जल गई थी, फिर मैंने यहाँ पे उठा के और लेके जाऊँगी। सो मैंने यहाँ पे कर लिया अपने दिया को प्रज्वलित और धूप बत्ती को प्रज्वलित, दोनों मैंने यहाँ पे कर लिया था। सो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली थी और उसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगाया माता रानी को तिलक। तो मैंने यहाँ पे सारी माता रानी को, अपनी 9 माता रानियों को यहाँ पे मैंने तिलक लगाया। और फिर खुद को मैंने लगाया तिलक और
मांग भरी। उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की थी माता रानी को लगा के, सबको लगा के मैंने अपने माता रानी को, फिर सबसे लास्ट मैंने अपने लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे करी पूजा स्टार्ट। मैंने यहाँ पे कथा पढ़ी थी और दुर्गा चालीसा भी पढ़ी थी। फिर मैंने यहाँ पे कर ली पूजा और फिर मैंने मेरा सारा काम हो गया था। सो ऐसे होती है मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा और माता रानी की पूजा। सो आप सबकी नवरात्रि की पूजा कैसी चल रही है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर आना। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।